हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रवीण है और मैं आज आपको हिंदी के बारे में कराऊंगी, जो हिंदी का मोस्ट अवेटेड टॉपिक होता है। कहने को ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इससे जब क्वेश्चन फॉर्म होके आता है तो कंफ्यूजन हो जाती है कि ये है क्या, मतलब हम उसको पहचान नहीं पाते कि ये किस कैटेगरी में आएगा। मैं बात कर रही हूँ आपको सबसे फर्स्ट, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हिंदी को, स्वर और व्यंजन के बारे में। हम इस वीडियो में स्वर के बारे में करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों का एक छोटा सा समूह होता है, जैसे अ आ ई। हम इनको या तो अक्षर बोलेंगे या वर्ण बोलेंगे, हम इनको शब्द नहीं बोलेंगे, हम इनको वर्ण बोलेंगे। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इनको कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। बात करते हैं स्वर की। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है या जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि बिना किसी रुकावट के आती है मुख से बाहर, उसे कहते हैं स्वर व्यंजन। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे, अ हो गया आ, ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, री ए, ए ओ औ और आ। मतलब सारे स्वर हम लेंगे इसमें, लेकिन आपको मैं एक एक्सेप्शन बताती हूँ, एक अपवाद होता है। जो री होता है, हम इसको कभी भी मानक स्वर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर बात हो लिखित रूप की और खाली वो आपसे पूछे कि कितने स्वर हैं, तो कितने होंगे? कुल 13। लेकिन अगर मानक स्वरों की बात आए तो आपको 11 काउंट करने हैं, क्योंकि जो री होता है और जो आ होता है, जो आ वर्ण होता है, वो कभी भी स्वर की कैटेगरी में नहीं रखे जाते। केवल लिखित के दृष्टि से ये स्वर में इंक्लूड किए गए हैं। अब देखिए री, री जो है उच्चारण की दृष्टि से ये स्वर नहीं है, क्योंकि इसमें र की साउंड आती है और ई की साउंड आती है, मतलब एक स्वर है और एक व्यंजन है। परंतु लिखने की दृष्टि में री जो है वो स्वर की कैटेगरी में रखा जाएगा, स्वर की श्रेणी में रखा जाएगा। इसी तरह जो आ शब्द, आ जो वर्ण है, आ जो एक इंग्लिश का जो हम शब्द लिखते हैं उसमें यूज़ होता है, जैसे डॉक्टर में हो गया, कॉलेज में हो गया, इन सब में ओ जो ऊपर चांद बिंदु की तरह, लेकिन बिंदु नहीं आती है, कैसा साइन होता है, उसको कहते हैं ओ। ये भी उच्चारण के कारण स्वर में रखा जाता है, लेकिन ये मानक स्वर की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं मानक स्वर क्या होता है, मतलब जो हिंदी ने एक्सेप्ट किए हैं। इन दोनों को वैसे लगा दिया गया है, लेकिन जो मानक स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। जो हमारे अंग और अहा होते हैं वो अनुस्वार और विसर्ग में आएंगे, जिनको हम अयोगवा भी बोल सकते हैं। स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में क्या होगा कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय जिन उच्चारण में लगे जिन स्वरों के, उनको कहते हैं हर्ष स्वर। ये एक मात्रा के कह लो या बिना मात्रा के ही होंगे ये, जैसे अ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, इनका प्रयोग हम हर्ष स्वर की श्रेणी में करेंगे। लेकिन जो री जो हमारा जो वर्ण है वो केवल तत्सम शब्दों के प्रयोग में ही यूज होगा। आपने देखा भी होगा तत्सम और तद्भव शब्द हम जब पढ़ते हैं तो मोस्टली तत्सम शब्द किससे मिलके बने होते हैं? री से, अक्षर से, त्र से। जब हम करेंगे वो तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ स्वर मतलब जिनको बोलने में हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से होंगे? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, औ और आ, ये सारे आएंगे दीर्घ स्वर में। थर्ड नंबर पे आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या कि मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ये पूरा शब्द होगा ओम ओम,
तो इसमें जो मैंने आपको एस टाइप अल्फाबेट टाइप एक अस बना के दिया है, तो वो क्या है, वो इसमें अहम भूमिका निभाता है और उसे पूरे शब्द को ही प्लुत स्वर की श्रेणी में रखा जाएगा। एक बात और लिखी है कि जो ए और औ होता है, ए से ऐनक और औ से औरत, इनका उच्चारण हम संयुक्त स्वर के रूप में भी कर सकते हैं। वो क्यों? संयुक्त स्वर हम उन्हीं को बोलते हैं जो किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बना होता है, वो संयुक्त जोड़ा हो जाता है। जैसे ए किससे मिलकर बना है, अ और ई से, और ओ किससे मिलकर बना है, अ और उ से। जब हम संधि करेंगे तो ये आपको क्लियर होगी ये चीज़ कि संयुक्त कैसे होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं। ये दीर्घ संधि में आते हैं, मोस्टली सभी संधि कवर करती हैं इन चीज़ों को, वर्णों को। तो ये था स्वर के बारे में, और हम व्यंजन के बारे में डिटेल से करेंगे। मैं आपको एक एक पॉइंट कराते चलूँगी और हम हिंदी के सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बेसिकली जो ये कोर्स है ये आपका टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए है, और हिंदी तो आपको पता ही है टीचिंग एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और हिंदी ईजी भी है। लेकिन जो कुछ छोटे छोटे स्टेप होते हैं, जैसे हमें वो चीज़ समझनी चाहिए, हम किसी टॉपिक को ये कहकर इग्नोर नहीं कर सकते कि ये हमें आता है, क्योंकि जब क्वेश्चन फॉर्म होके अलग टाइप से आने लगे हैं, अब क्वेश्चन फॉर्मेशन बदल गया है, फॉर्मेट बदल गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो माई चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।